सर्वप्रथमे गुरुपाद पद्मंकर श्रीचरण कमल प्रणति ज्ञापन करुछि। तत्पश्चात समस्त सुधि सज्जन आपण मानको ए दासर यथाजोग्य अभिवादन। गत काली आमे माने श्रवण करुथिले प्रह्लाद महाराजंकर से अपूर्व दिव्य लीला। से लीलारे भगवानक प्रति तांकर किभळे सदा सर्वदा हृदय व्याकुलित होतला ना नेत्रेरंजी दिव्यांजन प्रेमरे करो लोकन नेत्रेरंजी दिव्यांजन प्रेमरे करो लोकन वक्त्रे वंशी हृदय चारु गुंज सजकु भज मन व्रजवन द्विज राजकु भज मन व्रजवन द्विज राजकु से द्विज राज भज मन व्रजवन व्रज राज को से सदा सर्वदा नेत्र रंजी दिव्याल नेत्र केवल कृष्ण ही थिले। कृष्ण को दर्शन करिबा कृष्णंकर लोचन कृष्ण को दर्शन करिया पाई तांको नेत्र केवल व्याकुलित थिला। कृष्ण दर्शन बिना आउ किछि दर्शन रे तांको नेत्रर कार्य नथिला। तेणु से प्रह्लाद महाराज किभळी थिले व्यासदेव कलम कले सौतम शोक पदारविन्दया निसेवया किंचन संग लब्धया तन्वन परां निवृतिम आत्मन मुहु दुर्संग दीनस्य मनक्षेम व्याध्यात। साधुंकर सानिध्य प्राप्त होइथिबारु भगवानकर पद सेवारे भगवानकर चिंतनरे भगवानकर स्मरणरे सदा सर्वदा नित्य निरंतर तांकर शरीर व्याकुलित थिला। साधुसंग किभली पाइले बालक अवस्थारे तो थिलो ना जेतेबेले माँ कयाधुंक गर्भरे से थिले सेतेबेले नारद मुनि माता कयाधु को समस्त उपदेश सुनाइथिले। सेही उपदेश को पेट भितरे थाई प्रह्लाद महाराज श्रवण करथिले जा फळरे तांकर नयन तांकर हृदय सदा सर्वदा गोविंद परिवेष्टित चारिपटर से गोविंद जो भाई परिवेष्टित होती इटि कहले गोविंद परिरंभित गोविंद जो भाई परिवेष्टन भितर कर रखिंट से सदा से सर्वदा से भाव चिंतन करुले भावुले संग प्राप्त हो सीए तो भगवान पर व्याकुित थे आए हूँ द्वादश महाजन भितर जड़े महाजन प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज के संग जी भी लाभ करुले सी जिते बड़ दुखी रंकी जिते बड़ दीन दरिद्र हो तार संगे संगे सी समस्त दुख को भूली जाई आनंद पाते ये प्रह्लाद विशेष गुण थिला जहाँकि जी भी देखुला जी भी संग करुला समस्ते केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होते ये विशेष चमत्कारिता थिला। तेणु धन्य से मातृ गर्भ जननी कृतार्थम कूलं पवित्रम आदि मन पड़ुछि रामचरित मानसर से दोहा नतरु बांध भली बादी बियानी राम विमुख सुत तेहिति जानी। कहते सुमित्रा पाखरे लक्ष्मण लाल पहुँचंती ना कौन ना मु भ्राता राम सहित बनवास जी आपणकर आज्ञा चाहूँ कहले मोर आज्ञा मुझे धन्य हली ना कौन से माँ धन्य से मार गर्भ धन्य जार पुत्र भगवत सेवारे तल्ली नहीं जाए मुझे आज खुशी हली मुझे आज निजी धन्य मन कली जे मो पुत्र राम सेवार जाऊँ प्रभु सेवार जाऊँ। तेणु कहते जदि पुत्र भगवत सेवार लगुनि ताहले से माँ जन्म नदे बांज हो जावा भल अर्थात बिना भगवत कृपा बिना कौन सी जिनस असर फटा। तेणु आज कयाधुंकर
कूल पवित्र हो जाकर सुपुत्र सदा सर्वदा भगवान को चिंतन मनन शीलन करे अतीब प्रहलाद चरित्र अतीब मनमुग्धकर शांत सुशील पुत्र प्राप्त हो सुधा जी कि भगवान को निज पाखरे सदा सर्वदा रखुले तो यह पुत्र किंतु हिरण्यकश्यप द्वारा अत्याचारित होता अत्याचारित हेले भी सुधा कौन सी दुख नथिला प्रश्न करुछंती आज युधिष्ठिर महाराज नारद को जे एते परे भी ए भलिया सुपुत्र प्राप्त होई सुधा हिरण्यकश्यप काहीकि तांको उपरे राग करुथिले कृपापूर्वक मते सही कथा आपण बुझाई कहतु पचारुछंती नारद मुनि को नारद मुनि पुनश्च कथा को बखाणीबे आ पाखरे युधिष्ठिर महाराज पाखरे आम से कथा को आगामी अध्याय आलोचना करवा आज कथा को ये विश्राम दवा जय जगन्नाथ।